एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में दिखता है कि जीना की बहन जियोन की डेड बॉडी बिल्डिंग के बाहर ले जाई जा रही होती है। वहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान होते हैं। वहीं ऊपर से रोज़ अपार्टमेंट की कॉन्ट्रैक्टर मी ऑन ये दिख रही होती है और वो कहती है, यहाँ क्या चल रहा है, ये कैसी सिचुएशन आ गई है, यहाँ न्यूज़ रिपोर्टर आ गए हैं। फिर वो अपने कमरे में मौजूद उस अनजान लड़की से कहती है, वो लैपटॉप कहाँ है। वो लड़की कहती है, हो सकता है वो पुलिस के पास हो, कौन जानता है, मुझे कैसे पता होगा। मी ऑन कहती है, रूम नंबर 809 में कौन लैपटॉप लेने के लिए गया। वो लड़की कहती है, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, मुझे नहीं मालूम, शायद कोई ढूंढ रहा होगा। मी ऑन उससे कहती है, क्या तुम जानती हो कि तुम कितना पैसे लेती हो। वो लड़की उसे अपना फ़ोन दिखाती है और कहती है, मैंने वो सब किया जो तुमने मुझे करने के लिए कहा और कॉन्ट्रैक्ट की डेट ख़त्म हो गई है। अगर आप इसे बढ़ाना चाहती हैं तो आपको मुझे पे करना होगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर दूँगी, आप वैसे भी कुछ टाइम बाद पकड़ी जाएंगी। मी ऑन कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई और क्लाइंट है। लेकिन वो लड़की इसका जवाब नहीं देती। वहीं दूसरी तरफ कार में डिटेक्टिव भाई अपने बॉस से कहता है, क्या जियोन ने सुसाइड की थी। उसका बॉस कहता है, मुझे क्या मालूम। डिटेक्टिव भाई कहता है, वो किडनैप हो गई, फिर वो घर पर आती है और आत्महत्या कर लेती है, क्या अजीब नहीं है। उसका बॉस कहता है, हाँ अजीब तो है। मिस्टर भाई कहता है, उसने अपनी बहन से कहा कि ये सब उसकी गलती थी, इसका क्या मतलब हो सकता है। उसका बॉस कहता है, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऑफिसर मंसूर जब अपनी कार में होता है तब वो रेडियो पर जियोन के मरने की खबर सुनता है। और वहीं दूसरी तरफ नामयंग जब अपनी ड्यूटी पर होती है तब उसे बाहर स्क्रीन पर जियोन की खबर के बारे में पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीना का भाई, उसको भी ये खबर पता चल जाती है और वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाता है। वहीं दूसरी तरफ जीना के फ्रेंड जुनजी को जीना की बहन के बारे में पता चल जाता है और वो बहुत हैरान होती है। और जीना के बॉस को भी ये खबर पता चल जाती है न्यूज़ के थ्रू। वहीं दूसरी तरफ सुखजा को इस खबर को देखकर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वहीं रात को ऑफिसर मंसूर जीना के घर के बाहर जाता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खटखटाता था क्योंकि उसे लग रहा था कि जीना परेशान होगी। और वहीं जीना अंदर रो रही होती है। फिर ऑफिसर मंसूर वहाँ से चला जाता है। वहीं अगले दिन डिटेक्टिव ली अपने बॉस से कहता है, हमें जियोन के उस वीडियो टेप के बारे में पता चला। उसका बॉस कहता है, कौन था वो। इसके बाद चाली को पुलिस अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन लाती है। फिर वहाँ मौजूद मिंसू चाली को देखकर हैरान होता है। इसके बाद मिंसू जब एक रेस्टोरेंट में होता है तो वो नामयंग को बुलाता है और वो नामयंग से कहता है, क्या तुम रोज़ अपार्टमेंट के चाली नाम के आदमी को जानती हो, मैंने उसे पुलिस स्टेशन में देखा, तुमको उसके बारे में पता लगाना है। नामयंग कहती है, मैं क्यों करूँगी, आप इसे कर सकते हैं। वो कहता है, तुम मुझे जानती हो, मैं यूनिट 1 के साथ कभी काम नहीं करना चाहता। वो कहती है, मुझे भी उनका साथ नहीं मिलता और मैं बिज़ी भी हूँ। फिर मिंसू आकर उसे मना ही देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन नामयंग बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि अब उसे जियोन के किलर के बारे में पता करना था। वहीं दूसरी तरफ जीना जिस होटल में काम करती थी वहाँ डिपार्टमेंट हेड यांग मैनेजर माँ को बताता है कि जीना ने जो भी कहा वो सब झूठ था, सब कुछ जो भी उसने कहा। उसने हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया, उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। बाकी एम्प्लॉय ने कहा कि उसके डैड सियोल में हॉस्पिटल के डायरेक्टर नहीं है, वो भी उसका झूठ था। उसके डैड एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं और मुझे नहीं पता कि वो वास्तव में कौन है। मैनेजर माँ पूछता है, उसे यहाँ नौकरी कैसे मिली। यांग कहता है, वो उस होटल में काम करने के लायक नहीं है। आप मिस्टर यांग को जानते हैं जिन्हें एक साल पहले निकाल दिया गया। उसने जीना का रिज्यूम बनाया, उसने यहाँ नौकरी हासिल करने के लिए उसे रिश्वत दी। मैनेजर माँ कहता है, तब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, मैं उसे एक बार सबके सामने एक्सपोज करूँगा। वहीं दूसरी तरफ जीना घर पर आती है और वो देखती है कि बाहर ऑफिसर मंसूर ज़मीन पर बैठा हुआ होता है और जीना का इंतजार कर रहा होता है। फिर ऑफिसर मंसूर खड़ा उठता है और वो जीना के लिए खाना लाया होता है। अंदर जाकर वो जीना को खाना खाने के लिए कहता है और कहता है, तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जीना कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहन मर चुकी है। जिस पल वो मरी उसने कहा ये मेरी गलती थी, लेकिन मेरी वजह से ऐसा क्या था। वो पूछती है, मेरी बहन के केस का क्या होगा। मिंसू कहता है, पोस्टमार्टम के बाद तुम्हारी बहन की डेड बॉडी को तुम्हारी फैमिली को दे दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नामयंग वो डिटेक्टिव भाई से चाली के बारे में पूछती है। डिटेक्टिव भाई नामयंग को बताता है कि चाली ने जियोन का टेप बनाकर इंटरनेट पर अपलोड किया था, रिसर्च टीम ने इसे देखा और ये पता चला कि वो नकली था। नामयंग कहती है, क्या उसने इसे कबूला। वो कहता है, वो कह रहा है कि उसने कहीं से इसे डाउनलोड किया, इसे साबित करना आसान नहीं होगा और वो चाबी अभी भी मुझे परेशान कर रही है और मुझे याद नहीं है कि मैं कितनी बार
रोज़ अपार्टमेंट के चक्कर लगा चुका हूँ। नामिन पूछती है, किस तरह की चाबी? वो कहता है, चाबी जो चाली की माँ के अंदर मिली थी, चाली की माँ ने उस चाबी को निकल दिया था। फिर मेरे बॉस ने उस चाबी का घर ढूंढने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उन्हें लग रहा है कि जियोन वहाँ थी। वो पूछती है, क्या तुम्हें वो घर मिला? वो कहता है, नहीं, मैंने अपने बॉस से कहा अगर क्रिमिनल ने ताला बदल दिया हो तो ये बेकार होगा। मेरी बात सुनने के बाद बॉस ने हार मान ली। नामयंग कहती है, मुझे भी तुम्हारे जैसा सीनियर मिलना चाहिए था। इसके बाद नामयंग डिटेक्टिव भाई के साथ सबूत कक्ष में जाती है और वहाँ मौजूद औरत वो जियोन के केस की चाबी डिटेक्टिव भाई को देती है। फिर डिटेक्टिव भाई नामयंग को वो चाबी देकर कहता है, तुम इसे आजमा कर देखो, अगर तुम्हें कुछ मिलता है तो मुझे बता देना, इसके अलावा मैं अपने बॉस से बात करूँगा जो तुम्हें प्रमोट करेगा। फिर नामयंग खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीना हॉस्पिटल में अपने डैड के पास जाती है और वो अपने डैड को जियोन के बारे में बताती है और उसके डैड ये सुनकर बहुत रोने लगते हैं। फिर जीना अपने डैड को संभालती है। वहीं अगले दिन डिटेक्टिव भाई अपने बॉस के पास जाता है और कहता है, जियोन की ऑटोप्सी रिपोर्ट आ गई है। उसका बॉस कहता है, मौत का क्या कारण है? डिटेक्टिव भाई कहता है, जियोन को मार कर लटका दिया गया। उसका बॉस कहता है, क्या किसी ने उसे फांसी दी? भाई कहता है, हाँ, उसने फांसी नहीं लगाई, उसके गले के घाव में घुटन का निशान है। उसका बॉस कहता है, क्या उसे गला घोटने के बाद लटका दिया गया था? भाई कहता है, हाँ, बेहोशी की हालत में उसे लटका दिया गया था। उसका बॉस कहता है, उस खून के बारे में क्या जो उसकी बॉडी पर लगा हुआ था? भाई कहता है, उसके सिर के पीछे खून बह रहा था लेकिन वो मौत का कारण नहीं था। और रिपोर्ट ये भी कह रही है कि वहाँ बहुत से लोगों ने उसे लटकाया। फिर भाई वहाँ से चला जाता है और उसका बॉस उस रिपोर्ट को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसी हॉल में मिंसू का बॉस अपने डिटेक्टिव को बुलाता है और उससे कहता है, मुझे जियोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ला कर दो और ये काम तुम यूनिट 1 से छिप कर करो ताकि उन्हें पता न चले। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव ली जीना की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए जीना जिस होटल में काम करती थी वहाँ जाता है। फिर वो अपने बॉस को फ़ोन करता है और कहता है, मैं उस होटल में हूँ जहाँ जीना काम करती थी। उसने कहा था कि लिवियोग ने जियोन के अंडरवेयर चुराए थे। उसने कहा केवल एक VIP का वो अंडरवेयर था जो कि एक सेट था, लेकिन ऐसा नहीं था, कंपनी ने 100 सेट बनाए थे। लेकिन जीना ने लिवियोग को क्रिमिनल घोषित किया और ये पहली बार नहीं है जब कोई जानता है कि वो लापता हो गया है और डेड पाया गया। उसका लवर भी लापता हो गया था और 3 साल पहले डूब गया था। हमें इसे बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए। उसका बॉस कहता है, फंडेल के बाद उसे मैं बुलाता हूँ और तुम पता करो कि जब जियोन गायब हुई थी तब उस दिन जीना ने क्या किया था। वहीं अंतिम संस्कार में जीना और उसका भाई मौजूद होते हैं। फिर जियोन का बॉयफ्रेंड वहाँ आता है, तब जीना अपने भाई से पूछती है, ये कौन था? उसका भाई कहता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड था। फिर बाहर जाकर जीना उसके बॉयफ्रेंड से पूछती है, क्या आपको किसी पे शक है कि जियोन को किसने मारा होगा? वो कहता है, उसका किसी के साथ मन मुटाव नहीं था, उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया, वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ नामयंग ऑफिसर मिंसू को बता दिए कि चाली ने ही जियोन के स्टीम कैम को फैलाया। वहीं दूसरी तरफ जीना की दोस्त फेंडल पर जाती है और वो जीना से कहती है कि तुम वापस होटल मत आना, मुझे लगता है तुम्हें अफसोस होगा। जब पुलिस होटल में आई थी तो बहुत हंगामा हुआ था। जीना पूछती पुलिस, उसकी दोस्त कहती है, मुझे ज़्यादा नहीं पता लेकिन उन्होंने कहा कि वो तुमसे सवाल करेंगे तुम्हारे डैड के बारे में और तुम्हारी बहन के अंडरवेयर के बारे में जो तुमने गिफ्ट दिया था। उन्होंने तुम्हारे रिज्यूमे के बारे में भी जांच की, तुमको अब तैयार रहना होगा। जीना कहती है, थैंक यू ये बताने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चाली जब अपने दुकान पर होता है तब वो अपने दोस्त के साथ अपने फ़ोन में कुछ न्यूड गर्ल्स की फ़ोटो देख रहा होता है। तभी वहाँ ऑफिसर मिंसू आकर झटके से चाली का मोबाइल छीन लेता है उसके हाथ से और वो उसके फ़ोन में देखता है। फिर वो चाली के फ़ोन को ज़मीन पर पटक देता है। फिर चाली को गुस्सा आता है और वो मिंसू के पास जाता है। फिर ऑफिसर मिंसू उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारता है और उसे लात मारता है। इसके बाद चाली जान बचाने के लिए भागने लगता है और ऑफिसर मिंसू उसके मुँह पर वार करता है और चाली के चेहरे से खून आने लगता है। फिर ऑफिसर मिंसू उससे कहता है, जियोन का वीडियो तुमने बनाया था है ना? चाली कहता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मैंने वो वीडियो बनाया था, क्या तुम चाहते हो मैं एक और वीडियो बनाऊं तुम्हारी माँ के लिए? उसकी फ़ोटो लाओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। मिंसू पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर चाली हंसने लगता है और वो कहता है, तुम पुलिस वाले लोगों को अपने मज़े के लिए नहीं मार सकते। इसके बाद मिंसू वार का तरबूज चाली के सिर पर फोड़ देता है और वो और गुस्से चाली को मारता है। फिर रात को ऑफिसर मिंसू जीना से मिलता है और उसके साथ डिनर करता है और वो जीना से पूछता है, क्या तुम्हारी बहन के मरने के बाद क्या तुम खुश हो? क्योंकि तुमने एक बार कहा था कि तुम अपनी बहन को मरा हुआ देखना चाहती थी। जीना कहती है, ऑफिसर क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मिंसू कहता है, वो बात नहीं है,
मैं बस कंफर्म करने के लिए पूछ रहा था। फिर जीना रोने लगती है और कहती है हाँ मुझसे गलती हुई कि मैंने ऐसा कहा था, लेकिन दरअसल मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता है। फिर ऑफिसर मिंजू उससे माफ़ी मांगता है। फिर डिनर करने के बाद जीना ऑफिसर मिंजू के कंधे पर सर रखती है। वहीं दूसरी तरफ चार्ली जब अपनी शॉप पर होता है तभी वहाँ वही किलर आता है जिसने जीवन को मारा था, और वो चार्ली पर चाकू से हमला करता है और चार्ली को मार डालता है। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहें हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।